बुलंदशहर के ककौड़ थाना क्षेत्र में सिकंदराबाद रोड पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब क्लिनिक पर बैठे डॉक्टर पर बाइक सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गए। आनन फानन में परिजन घायल डॉक्टर को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने घायल डॉक्टर को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों की माने तो घटना को किसी और ने नहीं बल्कि मृतक डॉक्टर के सगे साड़ू ने अपने पिता और एक अज्ञात साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया है। हम लोग क्लिनिक पे बैठे हुए थे, तीन लोग आए जिसमें राकेश, मोनू और एक अज्ञात आदमी था। मोटरसाइकिल पे आते गोली मार के उन्हें चले गए। घटना की सूचना पर बुलंदशहर SSP, SP City, भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। पुलिस के आला अधिकारी जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। आज सुबह 7:30 बजे के आसपास कस्बा ककौड़ में सिकंदराबाद रोड पर डॉक्टर मुकेश गौड़, जो कि लोकल यहाँ अपना हड्डी जोड़ने का और इन सब का काम करते थे, कोई डिग्री इनके पास नहीं थी, यहीं प्रैक्टिस करते थे, इनको तीन लोगों ने आके गोली मारी। जैसा कि उनकी पत्नी ने लिखी तहरीर दी है कि उसके बहन के पति मोनू और उसके पिता राकेश ने आके और मेरे पति को गोली मारी। इस आधार पर हम जो अभी तक की बात आई, जो तहरीर है उसके हिसाब से मृतक के सगे साड़ू ने अपने पिता के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। बुलंदशहर पुलिस भले ही आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे भेजने का दावा कर रही हो, लेकिन दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग करके बेखौफ बदमाशों ने जिस तरह डॉक्टर की हत्या की है, उससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है। पंजाब केसरी TV के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।